हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित भीमकुंड के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग मध्य प्रदेश में स्थित भीमकुंड के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बड़ा मलहरा तहसील में स्थित भीमकुंड एक धार्मिक स्थल भी है और एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल भी है। इसका डिस्टेंस है, अगर आप छतरपुर से देखेंगे, रेलवे स्टेशन छतरपुर है, वहां से इसका डिस्टेंस है 75 किलोमीटर। एयरपोर्ट है खजुराहो में, वहां से डिस्टेंस है करीब 95 किलोमीटर। और आसपास के दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क और डायमंड माइंस पन्ना, वहां से 144 किलोमीटर दूर है। पन्ना के पास में ही एक दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है, वो है पांडव फॉल्स, वहां से 120 किलोमीटर दूर है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है तो भीमकुंड महाभारत से संबंधित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जब अपने वनवास और अज्ञातवास में पांडव यहाँ विचरण कर रहे थे तो द्रौपदी को प्यास लगी और भीम ने गदा मार के इस कुंड का निर्माण किया था। वैसे 40x80 फीट के डायमेंशन वाला जो ये कुंड है उसका शेप कुछ कुछ गदा के आकार का ही है। दूसरी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह बोला जाता है कि यह विष्णु जी से संबंधित है। नारद जी ने निर्माण किया था, नारद जी ने संगीत साधना की थी और उसके बाद विष्णु जी ने प्रसन्न होकर कुंड का निर्माण किया था। और क्योंकि विष्णु जी का रंग नीला है इसलिए यहाँ का पानी नीला होता है। अगर आप पानी देखेंगे तो बिल्कुल इतना नीला होता है जैसे कि पानी में नील घोल दिया। एक तीसरी मान्यता के अनुसार ये महादेव से संबंधित माना जाता है, जैसे कि नीलकंठ, महादेव का कंठ नील है और कहा जाता है कि नीलमणि की वजह से इस कुंड का पानी नीला है। ये थी धार्मिक मान्यताएं। यहाँ पर बिजावर रियासत के महाराजा साहब ने मकर संक्रांति पे मेले की शुरुआत की थी और तब से यहाँ पे मकर संक्रांति पर मेला लगता है। लोग स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ का पानी कभी खराब नहीं होता। अब मैं आपको भीमकुंड की रहस्यमयी बातों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एक बात यह है कि आज तक कोई भी भीमकुंड की गहराई को नाप नहीं पाया। बताया जाता है 2004 डिस्कवरी चैनल की टीम आई थी, उन्होंने करीब 200 फीट डाइव लगवाई डाइवर से, लेकिन उनको गहराई का मालूम नहीं चल पाया। इसके अलावा गहराई में कैमराज डाले गए तो भी गहराई पता नहीं चल पाई। ये मालूम चला, कई लोगों ने अलग अलग दावे किए, कुछ लोगों ने बताया कि नीचे एक बहुत तेज धार वाली नदी बह रही है, कुछ लोगों ने बताया कि इसमें दो कुएं हैं, एक से बहुत तेजी के साथ पानी आ रहा है और एक से बहुत तेजी के साथ पानी जा रहा है। ये बात इसलिए भी सही प्रतीत होती है क्योंकि अगर एक छोटा सा 40x80 का कुंड है तो उसका पानी खराब हो जाना चाहिए, लेकिन इसका पानी कभी खराब नहीं होता। सेकेंडली, इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता। आप देखेंगे तो आसपास के गांवों में सब जगह वाटर सप्लाई यहीं से जाती है, सारी मोटरें लगी हुई है, पानी की सप्लाई जाती है, लेकिन कभी भी वाटर लेवल कम नहीं होता। दूसरी बात, पानी खराब नहीं होता, जैसे गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। गंगा नदी में हमको मालूम है बैक्टीरियोफेज मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा जाते हैं। यहाँ के पानी में बैक्टीरियोफेज भी नहीं मिलते, उसके बाद भी पानी कभी खराब नहीं होता, हमेशा प्योर बना रहता है। तो वो इस बात को साबित करता है कहीं ना कहीं से इसका नीचे से पानी का कनेक्शन है। सुनामी आई थी 2004 में, तब यहाँ का वाटर लेवल करीब 10 से 15 फीट बढ़ गया था और पानी जोर जोर से उछलने लगा था। इवन कई लोगों ने जो नारियल चढ़ाए होते हैं वो नारियल भी सतह पे ऊपर आ गए थे और लोग डर के बाहर आ गए थे। लेकिन एक बात है कि अगर ये समुद्र से कनेक्टेड है तो समुद्र का पानी तो खारा होता है, इसका पानी मीठा है, तो इसलिए ये सारी बातें इसको रहस्यमयी बनाती हैं। आप अगर जाएंगे तो देखेंगे बड़ा ही सुंदर एक गुफा के अंदर बना हुआ है। सबसे पहले पास में काफी सीढ़ियों के बाद एक मंदिर बना हुआ, भीमा देवी का मंदिर। मान्यता है कि पहले मंदिर में माता के दर्शन करने होते हैं फिर जाना होता है। आप एक गुफा के द्वार से नीचे उतरेंगे तो आपको एक पूरी बड़ी सी गुफा नजर आएगी, चमगादड़, जिस तरह से चमगादड़ की स्मेल होती है गुफा में वो नजर आएगा। नीचे जाने की स्टेयर्स नजर आएंगी और साफ साफ नीले रंग का पानी दिखने लगेगा। बिल्कुल कुंड के ऊपर वो गुफा खुली हुई है, मतलब सन की रेज आ सकती हैं और उससे पानी और नीला दिखाई देता है। तो बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है, देखने लायक जगह है। अगर आप मध्य प्रदेश की यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप खजुराहो जा रहे हैं, अगर आप पन्ना नेशनल पार्क जा रहे हैं या पन्ना डायमंड माइंस देखने जा रहे हैं, 144 किलोमीटर दूर है, हर जगह से कनेक्टेड है, बाय एयर खजुराहो है, बाय ट्रेन छतरपुर से कनेक्टेड है, बाय रोड तो पूरे इंडिया से कनेक्टेड है।
तो अगर आप मध्य प्रदेश की यात्रा पे जा रहे हैं तो एक बार आपको भीमकुंड जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश में स्थित भीमकुंड के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।